तो उलमाए कराम ने फरमाया कि बकरा, बकरी, दुम्बा, मेंढा, ये चारों की कुर्बानी दी जा सकती है। बकरा या बकरी ये एक साल के होने चाहिए, दुम्बा और मेंढा जिसके ऊपर ऊन होता है, शिप होता है, तो ये ऊन होता है, ऊन होता है, ये कभी कभी छह या आठ महीने का हो लेकिन देखने में साल भर का दिखता है तो इसकी भी कुर्बानी जायज है। बकरे बकरी की उम्र एक साल हो, गाय बैल भैंस भैंसा इसकी उम्र दो साल होनी चाहिए, इसी तरह ऊंट की उम्र पांच साल होनी चाहिए। अब हमारे हिंदुस्तान में बाज इलाकों में ऊंट कटते होंगे, बाज इलाकों में गाय बैल कटते होंगे, लेकिन हमारे बॉम्बे शहर महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान के कई इलाकों में भैंस की कुर्बानी दी जाती है, तो भैंस की कुर्बानी भी दी जा सकती है, इसमें भी सात आदमी के हिस्से होते हैं। गाय बैल भैंस भैंसा इसमें सात नाम है, ऊंट में भी सात नाम है, और बकरा और दुम्बा एक आदमी की तरफ से एक पेश किया जाता है।